हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अफसाना एंड वेलकम टू माय चैनल द एरो। इसके बाद जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर हम लोग इवेंट्स की बात करें कि कौन कौन से इवेंट्स, देखिए ये वाला जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको ध्यान से देखिएगा। सेक्सुअल इवेंट जो होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो इवेंट्स होते हैं वो बेसिकली कहाँ पे होते हैं, आफ्टर जो मैच्योरिटी अटेन हो जाएगी, ठीक है। और मैच्योरिटी अटेन होने के बाद क्या होगा, जो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें इवेंट्स होते हैं, ये जो है वो ऑलमोस्ट सब में सिमिलर ही टाइप के होंगे, ठीक है, डिफरेंट ज़्यादा नहीं होता। तो जो बेसिक जो है वो फंडामेंटल जो होता है वो सिमिलैरिटीज़ होती हैं सारे ऑर्गेनिज्म में, समझ आ गई बात। जो जितना भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिन ऑर्गेनिज्म में, उनमें जो है वो बेसिक सिमिलैरिटीज़ होती हैं। जो इवेंट्स होते हैं वो इलैबोरेट होते हैं और कॉम्प्लेक्स होते हैं और एक रेगुलर सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनमें क्या होता है, उनमें फ्यूजन होता है या फर्टिलाइजेशन होता है मेल और फीमेल गैमेट का, फिर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट होता है, फिर एम्ब्रियोजेनेसिस होता है। तो इसको बेसिकली हम लोग अलग अलग पार्ट्स में पढ़ेंगे। वो जो अलग अलग पार्ट्स हैं तो इनको कन्वीनियंस के लिए क्या किया गया, इनको सिक्वेंशियल इवेंट में जो है वो ग्रुप कर दिया गया। तीन डिस्टिंक्ट स्टेजेस जो है वो इसमें ग्रुप किया गया। एक होता है प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा होता है फर्टिलाइजेशन और तीसरा होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो इनमें जो है वो सारे स्टेप्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, प्री फर्टिलाइजेशन भी, फर्टिलाइजेशन भी और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में भी। इन तीनों में जो और स्टेप्स आएंगे उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें प्री फर्टिलाइजेशन में अगर हम लोग देखेंगे तो प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें ऑब्वियसली बात है कि जो फ्यूजन ऑफ गैमिट होगा तो उससे पहले हम लोगों को गैमिट का फॉर्मेशन करना होगा। गैमिट का फॉर्मेशन होगा, फिर गैमिट का ट्रांसफर होगा, उसके बाद जाकर के क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो यहाँ पर दो मेन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है, एक होता है गैमेटोजेनेसिस और दूसरा होता है गैमिट का ट्रांसफर। तो ये दो जो है वो मेन टाइप के होते हैं, गैमेटोजेनेसिस और गैमिट का ट्रांसफर। ओके, जो गैमेटोजेनेसिस होता है वो एक प्रोसेस होता है जिसमें गैमिट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो मेल और फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन होगा और गैमिट्स होंगे वो हैप्लॉइड सेल होंगे। गैमिट्स अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो प्लांट में हो या फिर एनिमल में हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल, ये दोनों टॉपिक तो हम लोगों को पढ़ना है। तो गैमेटोजेनेसिस वहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर देख लेते हैं, गैमिट जो होते हैं वो हैप्लॉइड सेल होते हैं, चाहे वो प्लांट के हों चाहे वो एनिमल के हों, हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। अब जो गैमिट होता है, वो गैमिट जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है होमोगैमिट, दूसरा होता है हेटरोगैमिट। होमोगैमिट का मतलब ये हुआ कि सेम टाइप के गैमिट होंगे, उसी को हम लोग आइसोगैमिट भी कह देते हैं। और हेटरोगैमिट का मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ गैमिट, उसको हम लोग एनाइसोगैमिट भी कह देते हैं, ठीक है। और होमोगैमिट में अगर हम लोग देखते हैं तो होमोगैमिट जैसे कि एल्गी में होता है, दो गैमिट जो होते हैं वो सिमिलर टाइप के होते हैं, ठीक है। और कैटेगराइज करना मुश्किल होता है कि कौन मेल है कौन फीमेल है, क्योंकि दोनों जो गैमिट्स होते हैं वो सिमिलर टाइप के गैमिट होते हैं। तो एल्गी में होमोगैमिट्स होते हैं, जिसको हम लोग आइसोगैमस भी कहते हैं, आइसोगैमिट भी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि क्लैडोफोरा में, क्लैडोफोरा का एग्जाम्पल दिया है एनसीईआरटी में, तो क्लैडोफोरा एक एल्गी है, ग्रीन एल्गी है, जिसमें होमोगैमिट होता है या हम लोग कहते हैं आइसोगैमस कंडीशन होती है। दूसरा होता है हेट्रोगैमिट और अनाइसोगैमिट। तो हेट्रोगैमिट होते हैं जो मेजॉरिटी जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की है, वहाँ पर क्या होता है, गैमिट जो होते हैं वो टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमिट होते हैं, जो मॉर्फोलॉजिकली जो है वो डिस्टिंक्ट टाइप के होते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं अनाइसोगैमिट या फिर हेट्रोगैमिट, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ गैमिट। तो दो गैमिट होंगे, मेल और फीमेल गैमिट, दोनों अलग अलग होंगे, जिसमें मेल को कहेंगे एंथ्रोजोइट्स और स्पर्म और फीमेल को कहेंगे एग और ओवम, समझ आ गई बात। तो यहाँ पे हेट्रोगैमिट में एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में है इस चैप्टर में, वैसे तो बहुत सारा एग्जाम्पल है, एल्गी में देखिएगा तो अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं हेट्रोगैमिट्स के, यहाँ पर जो है वो फ्यूकस का है और यहाँ और जो है वो हेट्रोगैमिट होमोसैपियंस में तो होते ही हैं, स्पर्म्स इस तरह का होता है, ओवम इस तरह का होता है। इसमें भी फ्यूकस में भी ये जो है वो ये ओवम हो गया, ये स्पर्म हो गया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंथ्रोजोइट्स और एग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो वहाँ पर क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमिट होता है, दो डिफरेंट इंडिविजुअल से गैमिट्स का फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद फ्यूजन ऑफ गैमिट होगा। इंडिविजुअल जो होंगे वो यूनिसेक्सुअल हो सकते हैं या बाइसेक्सुअल हो सकते हैं। तो अगर हम लोग प्लांट की बात करें तो प्लांट में अगर बोथ मेल और फीमेल जो होंगे स्ट्रक्चर डिफरेंट प्लांट पे होंगे, ठीक है, ये प्लांट अलग है, ये प्लांट अलग है, इसमें मेल होगा इसमें फीमेल होगा, तो उसको कहते हैं यूनिसेक्सुअल प्लांट, ठीक है। बाइसेक्सुअल में क्या कहेंगे, जिसमें मेल और फीमेल जो होगा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर वो सेम प्लांट पे होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं या बाइसेक्सुअल स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स जो होते हैं वो स्वीट पोटैटो में होते हैं। उसके बाद ये देखिए, स्वीट पोटैटो में इनमें जो है वो दोनों मेल और फीमेल, ये एंथर है और ये जो है वो ओवरी है, तो ये दोनों जो है वो दोनों चीज़ें एक ही फ्लावर्स में मौजूद होगा, उसी को हम लोग कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। अब फ्लावरिंग प्लांट्स में यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर्स होंगे और यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर्स होंगे। तो यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर को हम लोग स्टैमिनेट कहते हैं, क्योंकि स्टैमेन जो होता है वो मेल
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है तो उसको हम लोग स्टैमिनेट कह देंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उसमें मेल गैमेट होगा। और दूसरा जो होगा वो यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर को हम लोग क्या कहते हैं, पिस्टिलेट कहते हैं या पिस्टिल बेयरिंग कहते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ फीमेल होगी। ठीक है, उसके बाद ये मोनोशियस और डायोशियस को ध्यान से देखिएगा और उसको याद कीजिएगा, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। तो मोनोशियस जो होता है उसको हम लोग होमोथैलिक भी कहते हैं और डायोशियस को हम लोग हेट्रोथैलिक भी कहते हैं। तो हेट्रो का मतलब होता ही है डिफरेंट, होमो का मतलब सेम। तो यहाँ पर जो मोनोशियस है तो होमोथैलिक से मेरे ख्याल से ज़्यादा, क्योंकि मोनोशियस और डायोशियस से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन होमोथैलिक से आई थिंक यहाँ पर ज़्यादा आसानी से याद हो सकता है। होमोथैलिक या मोनोशियस जो होते हैं वो डिनोट करते हैं बाइसेक्सुअल कंडीशन, और डायोशियस जो होते हैं वो यूनिसेक्सुअल कंडीशन को डिनोट करती है, और मोनोशियस कंडीशन बाइसेक्सुअल कंडीशन को डिनोट करती है। ठीक है, तो ये याद रहेगा, हेट्रोथैलिक और होमोथैलिक से याद रहेगा, होमो मतलब सेम और हेट्रो मतलब डिफरेंट। ओके, तो यहाँ पर मोनोशियस में अगर हम लोग देखेंगे तो मोनोशियस जो होते हैं वो कारा होते हैं। कारा जो है वो ग्रीन एल्गी होता है, इसमें जो है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन और मेल सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट पे हैं। तो होमोथैलिक है, सेम प्लांट पे दोनों चीज़ें मौजूद हैं, तो उसको कहेंगे होमोथैलिक, जिसमें उगोनियम है। ये जो है ना स्ट्रक्चर भी याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रक्चर भी आता है। तो जो ऊपर वाला जो है वो इस तरह का जो है वो पाइनएप्पल जैसा है, उसको हम लोग कहते हैं उगोनियम, और ये जो स्फीयर टाइप का है उसको हम लोग कहते हैं एंथ्रिडियम मेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, डायोशियस में अगर हम लोग मार्केंशिया की बात करेंगे, मार्केंशिया क्या है, ब्रायोफाइट्स है, ब्रायोफाइट्स में लीवर वॉर्ट्स है, और ये जो है वो इसमें भी दो अलग अलग होते हैं, और इसमें क्या होता है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। ओके, मोनोशियस और डायोशियस प्लांट की बात करें, अगर फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो फ्लावरिंग प्लांट में, अच्छा एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, जो मोनोशियस और डायोशियस है इसका एग्जांपल्स पे क्वेश्चन आ चुका है, तो ये मैं आगे कराऊंगी, तो ये याद रखिएगा। ओके, मोनोशियस और डायोशियस प्लांट की बात करें, फ्लावरिंग प्लांट की बात करें, तो इसमें क्या होता है, मोनोशियस की बात करेंगे तो दोनों मेल और फीमेल जो फ्लावर्स होंगे वो सेम प्लांट पे होंगे, सेम इंडिविजुअल में होंगे। ठीक है, होमोथैलिक कंडीशन। और डायोशियस की बात करेंगे तो बोथ मेल और फीमेल जो होंगे, इधर जो है एक प्लांट पे मेल होगा या फिर फीमेल, दोनों फ्लावर्स जो होंगे वो सेपरेट इंडिविजुअल पे प्रेजेंट होंगे, तो इसको कहेंगे डायोशियस। तो एग्जांपल्स मोनोशियस का है कुकुरबिट्स है, कोकोनट्स है, और डायोशियस का एग्जांपल है पपाया और डेट्स। उसके बाद जो यहाँ पे सवाल ये आता है कि नेम द टाइप ऑफ गैमेट दैट आर फॉर्म्ड इन स्टैमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर्स। तो यहाँ पे बताइए स्टैमिनेट और पिस्टिलेट फ्लावर्स में कैस किस टाइप का गैमेट बनेगा। तो यहाँ पर जो टाइप ऑफ गैमेट की बात कर रहे हैं, तो टाइप ऑफ गैमेट जो होंगे वो कैसे होंगे, ये हैप्लोइड गैमेट होंगे, ये तो सही समझ में आ गया। उसके बाद जो है वो हेट्रोगैमस कंडीशन होगी यहाँ पर, सही है। उसके बाद जो है वो एनिमल्स की बात करें, तो एनिमल्स में अगर हम लोग देखें तो सवाल ये आता है कि क्या एनिमल्स में सारे स्पेशीज जो होते हैं इधर मेल या फीमेल होंगे, यूनिसेक्सुअल होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स में यूनिसेक्सुअल कंडीशन ही होती है। लेकिन इसमें पूछ रहे हैं कि बाइसेक्सुअल भी होते हैं, होते हैं, बिल्कुल होते हैं, उसमें जो है बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो यूनिसेक्सुअल एनिमल्स और बाइसेक्सुअल एनिमल्स में, तो यूनिसेक्सुअल एनिमल्स वो होते हैं जो कि मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा वो किस में होगा, डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल में होगा। लेकिन बाइसेक्सुअल एनिमल्स में जो बोथ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होगा वो सेम इंडिविजुअल में होगा। तो यहाँ पर यूनिसेक्सुअल एनिमल्स में है कॉकरोच, और बाइसेक्सुअल एनिमल्स में अर्थवॉर्म है, स्पॉन्जेस है, टेपवॉर्म है, लीच है, यानी लोअर लोअर एनिमल्स जो होते हैं वो उसमें क्या होते हैं, इन्वर्टिब्रेट्स बेसिकली जो होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, तो अर्थवॉर्म याद रखिएगा, स्पॉन्जेस याद रखिएगा, टेपवॉर्म और लीच, ये बाइसेक्सुअल एग्जाम्पल्स हैं, बाइसेक्सुअल के एग्जाम्पल्स हैं। और बाइसेक्सुअल एनिमल्स को हम लोग क्या कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। जैसे कि अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म में टेस्टिस भी होता है, ये टेस्टिस हो गया, ओवरी भी, टेस्टिस और ओवरी जो है वो एक ही स्ट्रक्चर में मौजूद होगा। ठीक है, एक ही इंडिविजुअल में मौजूद होगा। तो ये जो है वो, ये जो है सारे स्पर्मथीका है जिससे स्पर्म निकलते हैं, ये टेस्टिस है, ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये टेस्टिस है, फिर यहाँ पर ओवरी होता है। तो ये जो है वो दिया हुआ है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ, फेरेटिमा का रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिया हुआ है, इस चैप्टर में भी दिया है, फिर उसको अर्थवॉर्म को अलग से भी पढ़ना है, तो दोनों में पढ़ना है। उसके बाद कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच का भी हम लोगों को पढ़ना है, जैसे कि ये हो गई फीमेल और ये हो गया मेल, तो पहचानने का भी तरीका है कॉकरोच को, कि कॉकरोच को कैसे, जैसे यहाँ पर जो है एक स्ट्रक्चर है ये एनल सर्सी जो उसको कहते हैं, ये किस में होता है, ये मेल में होता है। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था तो 2021 में वो ये आया था कि कौन सा प्लांट है वो मोनोशियस है, मार्केंशिया, साइकस, कारा, पपाया। तो ये जो है वो, ये चार ऑप्शंस हैं, आप बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। मैं छोड़ दूँ ये आप लोग दीजिएगा, या मैं बता दूँ, बता देती हूँ। तो मोनोशियस का मतलब हो गया होमोथैलिक, होमोथैलिक मार्केंशिया है, नहीं है, साइकस है, साइकस है, नहीं है, साइकस भी क्या होता है, डायोशियस होता है,
कारा है, यस कारा है, पपाया भी डायशियस होता है, तो कारा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो समझ में आ जाता है, यहाँ पे आसानी से इंसान लगा भी देता है, लेकिन जब एग्जाम आता है उसमें कंफ्यूज हो जाता है कि है कि नहीं है, है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल होगा, तो मोनोशियस में बार बार कह रही हूँ, होमोथैलिक से ज़्यादा आसानी से याद हो जाता है। मोनोशियस मतलब सिंगल पे क्या होगा, दोनों इंडिविजुअल मौजूद होगा, दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मौजूद होगा, एक इंडिविजुअल में दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मौजूद होगा। अब बात करते हैं गैमेट फॉर्मेशन की। तो गैमेट फॉर्मेशन मतलब गैमेटोजेनेसिस की बात करें, तो जो गैमेट फॉर्मेशन होता है उसमें क्या होगा, सेल डिवीजन होगा। गैमेट फॉर्मेशन के दौरान क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। तो सेल डिवीजन जो होता है, तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, कभी भी डिप्लॉइड सेल से क्या बनता है, हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर सेल डिवीजन होगा, और कौन सा होगा ये भी पता है, यहाँ पर मियोसिस होगा। ठीक है, तो गैमेट जो होते हैं, जितने भी हेटरोगैमेटिक स्पेशीज होते हैं वो दो तरह के होते हैं, मेल और फीमेल होते हैं। ये तो सबको पता है कि मेल और फीमेल गैमेट होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो मेल और फीमेल गैमेट होंगे। ठीक है, हेटरोगैमेटिक स्पेशीज में तो गैमेट जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, और प्लांट बॉडी कैसा होता है, जो पेरेंट प्लांट बॉडी होता है वो डिप्लॉइड होता है। ओके, गैमेट जो होंगे वो हैप्लॉइड होंगे। प्लांट बॉडी हैप्लॉइड भी हो सकता है, डिप्लॉइड भी हो सकता है, इस बात को नोट डाउन कर लीजिए कि जो प्लांट बॉडी होता है वो हैप्लॉइड भी हो सकता है, डिप्लॉइड भी हो सकता है। हैप्लॉइड प्लांट बॉडी से भी गैमेट का फॉर्मेशन हो सकता है, और डिप्लॉइड प्लांट बॉडी से भी गैमेट का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, अब हैप्लॉइड में हम लोगों ने प्लांट किंगडम जब पढ़ा था, वहां पर देखा था कि हैप्लॉइड में जो है वो ब्रायोफाइट्स वगैरह जो है वो वहाँ पर कैसे जो है वो गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, क्योंकि ब्रायोफाइट्स वगैरह जो होते हैं वो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है उनकी। ठीक है, कुछ एल्गा में भी जो है वो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है, तो वहाँ पर हमने गैमेट का फॉर्मेशन किया। तो अगर आपको देखना है तो मैं लास्ट में दे दूंगी, ठीक है, या फिर आई बटन में दे दूंगी, कहीं पर भी दे दूंगी इसका लिंक। ओके, तो वहाँ पर देख लीजिएगा कि हैप्लॉइड प्लांट बॉडी और डिप्लॉइड प्लांट बॉडी। तो डिप्लॉइड से तो आसानी होती है, लेकिन हैप्लॉइड प्लांट बॉडी में ब्रायोफाइट्स का अगर हम लोग लाइफ साइकिल देखते हैं तो वहाँ पर हम लोगों को समझ में आ जाता है। हैप्लॉइड पेरेंट जो होते हैं वो माइटोटिक डिवीजन से, ऑब्वियस बात है हैप्लॉइड है तो माइटोटिक डिवीजन से ही गैमेट्स का फॉर्मेशन करेंगे, अगर डिप्लॉइड है तो मियोसिस से करेंगे, क्योंकि हाफ करना होगा, रिडक्शनल डिवीजन होगा। ओके, तो यहाँ पर सवाल ये आता है कि डज दिस मीन दैट मियोसिस नेवर ऑकर्स इन ऑर्गेनिज्म दैट आर हैप्लॉइड। तो क्या वैसे ऑर्गेनिज्म में मियोसिस नहीं होता जो कि हैप्लॉइड होते हैं? तो इसके लिए अगेन मैं कह रही हूँ कि जाकर के प्लांट किंगडम का जो ब्रायोफाइट्स है उसको जाकर के देखिएगा। वहाँ पे जब लाइफ साइकिल हम लोगों ने पढ़ा था तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि कैसे जो है वो मियोसिस हो रहा है किसी भी हैप्लॉइड प्लांट बॉडी में। ठीक है, तो ये जो सवाल है वहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि मोनेरा हो गया, फंजाई हो गया, एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट्स होते हैं, ये सारे जो होते हैं वो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती हैं। और कुछ जो ऑर्गेनिज्म जैसे कि टेडोफाइट्स हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया, ये और मोस्टली ये एनिमल्स जो होते हैं वो सारे क्या होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। तो डिप्लॉइड से तो आसानी से मियोसिस से हो जाता है, और हैप्लॉइड से जो होता है वो माइटोसिस के थ्रू होता है, जो कि मैंने भी बताया कि माइटोसिस से हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होगा तो माइटोसिस से गैमेट का फॉर्मेशन होगा, और अगर डिप्लॉइड प्लांट बॉडी होता है तो मियोसिस से जो है वो गैमेट का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिसको हम लोग मियोसाइट सेल कहते हैं, जिसको गैमेट मदर सेल भी कहते हैं, उसमें मियोसिस होता है। जैसे कि अगर हम लोग ह्यूमन की बात करें तो वहाँ पर रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन में हम लोग पढ़ेंगे कि एक स्पेशल सेल होगा। ठीक है, उस स्पेशल सेल में क्या होगा, वो स्पेशल सेल जो है वो पहले ग्रो करता है, उसके बाद उसमें डिवीजन होना शुरू होता है, मियोसिस होना शुरू होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग मियोसाइट कहते हैं या गैमेट मदर सेल कहते हैं, उसमें ही मियोसिस होता है। और एट द एंड ऑफ मियोसिस क्या होगा, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा, इनकॉर्पोरेट हो जाएगा एक गैमेट में। अगर डिप्लॉइड है तो इस तरीके से दो गैमेट बनेगा। ठीक है, अगर ह्यूमन की बात करेंगे तो ह्यूमन में क्या होता है, अगर फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल में एक बड़ा बन जाता है और एक छोटा सा पोलर बॉडी बनता है जिसका कोई काम नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। और अगर दूसरे ऑर्गेनिज्म में जैसे कि अब मेल में भी बात कर लेंगे तो मेल में तो चार बनते हैं, ठीक है, चार गैमेट्स बन जाएंगे। ठीक है, तो ये जो होंगे सारे जो है वो हैप्लॉइड होंगे और एक सेट ऑफ क्रोमोसोम चला जाएगा सब में। ठीक है, तो इस यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि क्या जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है मियोसाइट का और गैमेट्स में कोई रिलेशन है? तो बिल्कुल रिलेशन है, मियोसाइट जो होते हैं वो डिप्लॉइड्स होते हैं, ठीक है, और गैमेट्स के में जो क्रोमोसोम होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है,
तो म्योसाइट से बिल्कुल हाफ हो जाएगा तो गैमिट हो जाएगा, ये कह लीजिए गैमिट का डबल हो जाएगा तो म्योसाइट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ का जो है वो दे दिया है, एनसीईआरटी में इसका चार्ट बना हुआ है। तो ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होते हैं म्योसाइट्स में, और गैमिट्स में 23 होते हैं, तो जस्ट हाफ कर देना। हाउस फ्लाई में 12 होते हैं तो यहाँ पर 6 हो जाएंगे, यहाँ पर 42 होते हैं म्योसाइट में, रैट में तो यहाँ पर 21 हो जाएंगे, 78 होते हैं तो 39 हो जाएंगे, कैट में 38 होते हैं तो 19 गैमेट्स में हो जाएंगे, अनियन में 16 होते हैं तो 8 हो जाएंगे, उसके बाद फ्रूट फ्लाई में 8 होते हैं तो गैमेट्स में जो है वो क्रोमोसोम नंबर 4 हो जाएंगे। ऑफियोग्लॉसम का याद रखिएगा क्योंकि इसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, तो यहाँ पर मियोसाइट्स में 1260 होगा और क्रोमोसोम इन गैमेट्स होंगे वो होगा 630। ठीक है, एप्पल में 34 होता है तो बताइए यहाँ पर कितना होगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, राइस में 12 होते हैं गैमेट्स में तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। मेज़ में क्या होगा, 20 है म्योसाइट में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। पोटैटो में 24 यहाँ पर है तो यहाँ पे 48 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 380 जो है वो म्योसाइट में है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 190 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल मैथमेटिक्स है, कोई वो नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे। अब दूसरी बात आती है गैमिट ट्रांसफ़र की, क्योंकि जो है वो गैमिट का फॉर्मेशन हो गया तो दो अलग अलग इंडिविजुअल है, दो यहाँ पे एक मेल है और एक फीमेल है, दो अलग अलग इंडिविजुअल है, तो इनमें क्या होता है कि जाहिर सी बात है कि जो मेल है उसका गैमेट को ट्रांसफ़र होना ज़रूरी है फीमेल गैमेट से मिलने के लिए। ठीक है, तो अब अगर कोई भी इंडिविजुअल है, कोई सेम इंडिविजुअल है उसमें दोनों है, मेल फीमेल दोनों है, तो उसमें तो आसानी है कि चलो एक ही में है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मेल और फीमेल जो है वो अलग अलग इंडिविजुअल है तो उसमें क्या होगा, मेल जो गैमिट होगा उसको ट्रांसफ़र होना पड़ेगा या फिर फीमेल गैमिट को ट्रांसफ़र होना पड़ेगा। लेकिन जो जनरल रूल है दुनिया का वो ये है कि मेल गैमिट ट्रांसफ़र होता है फीमेल में। ओके, फॉर्मेशन ऑफ मेल और फीमेल गैमिट जो होता है, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ मेल और फीमेल गैमिट, तो यहाँ पर इनको एक साथ लाना ज़रूरी है फर्टिलाइजेशन के लिए। जब तक एक साथ नहीं आएगा तो फ्यूजन कैसे होगा, तो इस वजह से तो मेल जनरली जो मेजॉरिटी जो केसेस होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो मेजॉरिटी होता है दुनिया का, यही कानून है कि जो मेजॉरिटी होती है ऑर्गेनिज्म की उसमें मेल गैमिट जो होता है मोटाइल होता है और फीमेल गैमिट जो होती है वो स्टेशनरी होता है। ठीक है, तो जनरल ऐसा ही है, कुछ कुछ एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन को छोड़ करके मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में क्या होता है, मेल गैमिट मोटाइल होता है। ओके, एक्सेप्शन में है कुछ फंजाई है, कुछ एल्गी है जिनमें दोनों टाइप के गैमिट जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं, और इनको जो है ज़रूरत पड़ती है मीडियम की ठीक है, मीडियम वाटर भी हो सकता है मेल गैमिट को मूव करने के लिए। ठीक है, कुछ जो सिंपल प्लांट्स है जैसे कि एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट्स हो गया, टेरिडोफाइट्स हो गया इनको जो है वो वाटर की ज़रूरत होती है एज अ मीडियम गैमिट के ट्रांसफ़र के लिए, और लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमिट जो होते हैं वो वहाँ तक फीमेल गैमिट तक पहुँचने से क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। ठीक है, दूसरी बात आती है कि इसी वजह से इस लॉस को कॉम्पनसेट करने के लिए जो मेल गैमिट का प्रोडक्शन होता है ड्यूरिंग ट्रांस, मेल गैमिट का जो प्रोडक्शन होता है वो ज़्यादा अमाउंट में होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल गैमिट, फीमेल गैमिट से ज़्यादा अमाउंट में मेल गैमिट का प्रोडक्शन होता है, ताकि जो है वो कोई ना कोई तो पहुँच ही जाए। तो इसी वजह से, क्योंकि मेल गैमिट जो है वो मूविंग होता है, इसी वजह से उसमें जो है वो बहुत सारे पहुंच तो सकते नहीं हैं, क्योंकि मूव करने में बहुत सारा जो है वो उनको हर्डल्स जो है वो झेलना पड़ता है, तो उसमें कोई ना कोई एक ऐसा होता है जो कि पहुंच जाता है। इसी वजह से थाउजेंड्स टाइम्स जो होते हैं ज़्यादा होते हैं फीमेल गैमिट से मेल गैमिट। तो अगर सीडेड प्लांट में देखेंगे तो जो है वो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो कैरियर होते हैं मेल गैमिट के, पॉलन ग्रेन्स तो जानते हैं, तो मेल गैमिट उसमें होते हैं, पॉलन ग्रेन्स में होते हैं, और जो फीमेल में क्या होता है, ओव्यूल जो होते हैं वो कैरी करते हैं एग को। ओके, तो पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो एंथर्स में प्रोड्यूस होते हैं, अगर हम लोग फ्लावरिंग प्लांट की बात करते हैं, सीडेड प्लांट की बात करते हैं, तो पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो एंथर्स में प्रोड्यूस होते हैं, जो कि ट्रांसफ़र होते हैं स्टिग्मा में फर्टिलाइजेशन से पहले। पहले क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के लिए क्या करना होना पड़ता है, पॉलन ग्रेन जो होता है वो शेड करता है, उसके बाद जो है वो पहुँचता है किसके पास, ओवरी के पास पहुँचता है, ओवरी में स्टिग्मा में स्टिक करता है, ये है ओवरी, ओवरी में यहाँ पे स्टिग्मा में स्टिक करता है और फिर यहाँ पे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है और फिर ये अपना मेल गैमिट को रिलीज कर देता है। ओके, अब जो गैमिट का ट्रांसफ़र होता है प्लांट में, फ्लावरिंग प्लांट की बात करें, तो सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू भी होता है और क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू भी होता है। जो सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू होता है, जो सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट है, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे पीस का दिया हुआ है, वो अपना पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र करता है स्टिग्मा पे। एक ही फ्लावर है, फ्लावर क्या है, एक ही है,
तो फ्लावर एक ही है, तो यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए कि ये है यहाँ पर ओवरी और ये है एंथर, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे आने में कोई परेशानी नहीं होगी, ये यहाँ पर पॉलन यहाँ से यहाँ चलाएगा, तो ये सिंपल होता है। सिंपली क्या होता है, जो एंथर होता है वो अपना पॉलन ग्रेन शेड कर देता है स्टिग्मा पे, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है सेल्फ पॉलिनेशन में, ठीक है। क्योंकि स्टिग्मा जो होता है इसका, यानी ओवरी में जो स्टिग्मा होता है वो किससे ज़्यादा नज़दीक होता है, वो एंथर से ज़्यादा नज़दीक होता है। तो पॉलन ग्रेन जैसे ही शेड करता है वैसे ही वो कॉन्टैक्ट में आ जाता है स्टिग्मा के, ओके। नेक्स्ट आता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन होता है, तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन प्लांट जब हम लोग पढ़ेंगे तो क्रॉस पॉलिनेशन में बहुत तरीके हैं क्रॉस पॉलिनेशन करने के। एनिमल्स के थ्रू होता है, बर्ड्स के थ्रू होता है, ठीक है, बर्ड्स के थ्रू होगा, इंसेक्ट के थ्रू होगा, बैट के थ्रू होगा। तो ये बहुत तरीके के क्रॉस पॉलिनेशन है, क्योंकि और फिर विंड के थ्रू भी होता है, वाटर के थ्रू भी होता है। तो ये सारे जो हैं वो प्रोसेस हैं जिसके थ्रू क्रॉस पॉलिनेशन होता है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक प्लांट दूसरा है और एक प्लांट दूसरा है, मतलब एंथर एक किसी और में है और स्टिग्मा जो है वो और जो है ओवरी किसी और में है। तो ये स्टेमेन और ओवरी अलग अलग में है, तो जाहिर सी बात है कि इसको यहाँ से पार करने के लिए कोई ना कोई मोड चाहिए, कोई ना कोई वेक्टर चाहिए जो कि पॉलन ग्रेन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सके। तो क्रॉस पॉलिनेशन में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, जो कि कोई भी एजेंट के थ्रू जो है वो काम हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला जो टॉपिक है क्रॉस पॉलिनेशन का, ये भी हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में पढ़ेंगे। तो जैसे कि अब क्या हुआ कि पॉलन ग्रेन जैसे ही स्टिग्मा पे पहुंचा, ये पॉलन ग्रेन है, जैसे ही पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे पहुंचा वो क्या करेगा, एक पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। ये जो है वो ये पॉलन ट्यूब है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा और ये अपना मेल गैमेट को शेड करेगा। यहाँ पे ये जो मेल गैमेट आपको दिखाई दे रहा है, ये दो मेल गैमेट को शेड करता है। दो मेल गैमेट को शेड करने के बाद ये पॉलन ट्यूब के थ्रू ही कहाँ पहुँच जाता है, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ये ओव्यूल का पार्ट है, ठीक है। तो ओव्यूल में पहुंच जाता है, वहां पे होता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के जो न्यूक्लियस होते हैं वहां पे, उससे वो अपना जो मेल गैमेट होता है, मेल गैमेट को डिस्चार्ज कर देते हैं और वो फिर फर्टिलाइज हो जाता है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन का। उसके बाद डायशियस एनिमल की अगर हम लोग बात करें, तो डायशियस एनिमल में क्या होते हैं, मेल और फीमेल गैमेट जो होते हैं वो डिफरेंट इंडिविजुअल में बनते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट इंडिविजुअल में जब बनते हैं तो क्या होगा कि उनमें भी एक स्पेशल मैकेनिज्म जो होगा इवॉल्व होगा गैमेट ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। और जो सक्सेसफुल ट्रांसफ़र होगा और जो टुगेदर आएंगे गैमेट, तब जा करके यही जो इम्पार्ट होता है वो मोस्ट क्रिटिकल इवेंट होता है कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। उसके बाद क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।